अभी बना रही हैं भाभी दादाजी के लिए मूली के पराठे। ये तो ये मूली की चटनी तो तैयार ही नहीं है। ये दीदी ने अच्छे से निचोड़ दिया है। मम्मी छिल के गई थी, दीदी ने कद्दूकस कर दिया। ये रही हमारी दीदी ननन, ये उनकी बच्ची। हाय हाय ये भाभी की बेस्ट फ्रेंड। पुजारन पूजा कर रही है इस टाइम। कौन यार होगी? ओ पुजारन इधर आ। ये भगवान की कुर्सी लेके आई है। मंदिर पे पूजा करनी है ना, ऐसे ऐसे रख दो। और मैं तो कह रहा हूँ इसने उतारी कैसे वो घंटी। दादाजी और पापा जी को पसंद है मूली के पराठे और हम लोगों के लिए बने हैं आलू के पराठे। क्योंकि अपने खेत की मूली है तो हाँ अच्छी लगेगी। पापा जी को बहुत पसंद है। पापा का तो फेवरेट है मूली का पराठा। नहीं अब मैं देखूं पहले, लहसुन तो है, नमक भी डल गया, मिर्ची डाल दो, हल्दी डाल दो। हल्दी क्यों डलती है इसलिए? हल्दी का टेस्ट नहीं आता होगा फिर? नहीं, ये क्यों फ्राई होगी फिर? हाँ सही है, क्यों फ्राई होगी वैसे बताओ। वो तो आपने पूछा ना, क्वेश्चन पूछा आपने। मैंने तेरे को उसमें आंसर दे दिया पर तुझे लगा ही नहीं मैं क्या कर सकती। मैं क्यों लू उस आंसर को? पैदल से मार लो। अरे समझ गए भाई। मेरी आरू कितना ध्यान रखती है छोटी बहना का। हाँ ठीक है। ए ये लग जाएगी यार, लग जाएगी। छोटी बहना है ना, आराम से कर, आराम से खेल ले। अरे 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 हल्दी जो भी मसाले डालने हैं वो सारे, थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसमें इसको बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करनी, जैसे पक जाए ऐसा नहीं करना है, थोड़ी सी गर्म है करना है। गरम गरम मतलब बस जब तक दादाजी को बुला लाओ। समझने वाले समझ गए। मैं ही नहीं समझती बस, ठीक है नहीं समझना। वाह बस वाओ। दादाजी से बोली? हाँ बोला यार, पानी भी भर दिया। कोई बात नहीं। तो ये बन गए हमारे टेस्टी टेस्टी मूली के पराठे। किसके पराठे? मूली के। हाँ अब ठीक है। मैंने तो आलू बोल, मैंने आलू को नहीं, मेरे मन में था आलू, मेरे मन में आलू था तो इसलिए मुझे लगा आलू। सर्दियों में काम जाम हो जाते हैं। हाँ जुकाम से हो जाते हैं ना। पता है आज भाभी के कान इतना बुरा जाम हुआ, भाभी करी मेरा सिर दुख गया, मेरे कान में कुर 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 हो गया। हाँ तो मतलब भाभी ने गलत ही बोला था। आई मैं फिर यार दादाजी के लिए बहुत दिन बाद। भाभी के बाल देख रहे हो पीछे से, भाभी ने क्रैम्पिंग करी थी। कैसे खेल रही है ना भाभी बताओ ना। मैंने नहीं देखा, मेरे बड़े भी हैं, नाम जरूर सुना है। रॉकी भाई तो शक्तिमान का वो चलता था नाटक सीरियल जो भी है वो, तो वो ऐसे डर के नहीं घूम जाता, ऐसे जब जाता था कहीं पे भी गिर जाता। तो मेरे चाचा जी की एंगेजमेंट थी सगाई, रॉकी भैया ऊपर छत से सेकंड फ्लोर से डायरेक्ट नीचे कूद गया शक्तिमान बन के। ओ भाई फिर वो भाग गया, मम्मी वगैरह बेहोश हो गई कि मतलब मेरा लड़का गिर गया, कितनी लग गई उसको, हॉस्पिटल ले गए, ऐसा बवाल हो गया। रॉकी भाई डर के मारे शाम तक घर पे नहीं आया, उन्हें लगी नहीं। मतलब सही में उड़ गए थे वो? उड़े नहीं वैसे ही। नहीं पता उड़ गए हो तो मैं भी कर लूंगा ट्राई। नहीं बचपन में कैसे समझ लो, पर वो कूद के ऐसे मिट्टी पे कूदा होगा। हाँ रेत होगी। अरे वो उस पे से तो हाँ उस पे से रेत होगी वहां पे तभी। नहीं आलू हो रही है। बाय बाय एवरीवन, जा जा चलो। बुआ आ गई। अरे बुआ आ गई माशा। ओए अंशु ये कुर्सी दे दे, कुर्सी में लेकर आया। अब हमारे कैमरा
अरे तो मैं क्या करूँ, वो तीन तीन तो है, तो कैमरा मैन थोड़ा स्लो है। बुआ छोटी बुआ कौन है? बुआ नहीं, दीदी से, दीदी उससे ज्यादा प्यार है। बेबी को ले जा रही बुआ। बुआ लो, ले जाएंगे बेबी को, ले जाएंगे हम तो। वो भी हाय कर रही है, हाय दीदी। चपते नहीं क्या आवाज से? नहीं तो सो गए, जब आप खुशी मर्जी होगी ना, जब उठेगी मर्जी से सोना है। लाडो बोल रही है कि बेबी बड़ी हल्की है, मैं कि दो दो कंबल और ओढ़े इसमें से निकाल दो और हल्की निकलेगी। तूने बाबा को क्या पहना दिया? क्या पहनाई? अरे वाह, हैप्पी बर्थडे कर दे। अरे अब चुप हो गई, परेशान करती है बाबा को ये। लगाओ लगाओ आरू, लगाओ बाबा को, लगा दो बाबा को, लगाओ बाबा को, लगाओ। अरे वाह वाह, हैप्पी कर दो, हैप्पी बर्थडे बगली।